मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, माई टी वी के प्रोग्राम एक सुनहरी शाम के साथ आपका मेज़बान आरिफ महमूद हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत, एक बड़ी हमागीर शख्सियत डॉक्टर माइक गौस आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। तो डॉक्टर साहब जो है ये एक कामयाब राइटर हैं, रेडियो टेलीविजन के ब्रॉडकास्टर हैं, इसके अलावा वुमेन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात है, और वाशिंगटन डीसी और दूसरी जो अमेरिका की स्टेट्स हैं उनमें इनकी जो इनका जो तारुफ है, जो इनकी इंफरादियत है, वो इनके काम के हवाले से है। डॉक्टर साहब वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़े इदारे जिसका नाम सेंटर फॉर प्लूरलिज्म है, उसके बानी भी हैं और उसके सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर बैनल मजाहिब जो हमांगी है और अकलियतों के जो हकूक हैं उनके लिए, जो मजलूम पिछड़े हुए तबके हैं उनके हक में आवाज बुलंद की है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम की जो है वो मैं समझता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया। तो वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, इससे पहले कि हम जो सवालात का जो बाकायदा सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं, जी, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को मुख्तसरन अपनी बैकग्राउंड के बारे में और अपने जो इब्तदाई जिंदगी है, तालीम, उसके हवाले से कुछ जो है वो शेयर कीजिए। जरूर, मेरी पैदाइश शहर बेंगलोर में हुई थी, जो भारत इंडिया, साउथ इंडिया में, और पैदा हुआ वहां 25 साल तक रहा, उसके बाद मैं सऊदी गया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह मैं पैदा हुआ था, जिस घर में मैं बड़ा हुआ, वो घर के जो साहब रहते थे 500 साल पहले, 500 साल पुराना घर थे, वो शहर बेंगलोर के बानी है। शहर बेंगलोर की फाउंडेशन जिन्होंने रखी थी उन्होंने, केम्पेगौड़ा साहब ने, तो उस घर में मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ था। तो इसके लिए मुझे बाइज फख्र है कि एक हिस्टोरिकल घर में मैं पढ़ा हुआ था। फिर मैं सऊदी में था, 3-3.5 साल था वहां पे, एक फ्लोर कॉरपोरेशन के नाम से, वहां पे मैं चीफ अकाउंटेंट रहा, फिर डिप्टी कंट्रोलर बना, फिर यहाँ पे यूएस में आया, अपना अच्छा बिजनेस चलाया यहाँ पे मैंने। फिर उसके बाद 5-10 साल पहले हमारे वालिदा साहब का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी मुझसे, मेरे भाई से। मैं गया था जब उनका इंतकाल हुआ था, यहां से गया था मैं, 3 घंटे देर से गया था, बेंगलोर पहुंचे, हाँ, उनका इंतकाल हुआ था। तो मेरी वालिदा साहबा ने मेरे छोटे भाई से कहा था कि मुझसे वो कहें कि वो मुझे जन्नत में जब मिलेंगी तो वो मुझसे पहला सवाल मुझसे यह करेंगे, तू पैसे गिनता गिनता मरा या किसी की खिदमत करता हुआ मरा? तो वो बताया कि खिदमत करता हुआ। तब से मुझ पे काफी बात पे असर हुई थी, तो मैं सोचा कि जिंदगी में कितना पैसे कमाएंगे, एक दिन तो मरना है, कुछ करके जाओ। खुदा ने सारी दुनिया बनाई है, एक हारमोनी में बनाई है, और हमारा फर्ज बनता है कि इस्लाहुल आलम जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या कुछ करूं। तो मैंने देखा कि जो लोगों में तफरीके हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको कैसे उलझाया जाता है। तो उसके बाद मैंने एक प्लूरलिज्म जो हमाहंगी का लफ्ज है, तो ये मेरे सर पे चढ़ा। तो मैंने आज ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 1996 में। फिर जब अपने जो स्टीव जॉब साहब जो एप्पल के बानी हैं, उनका जब इंतकाल हुआ, तो उन्होंने अपने बेड से कहा था कि मेरे पास सारी दुनिया की दौलत है, मैं जो भी चाहे कर सकता हूं, मगर मैं अपनी सेहत नहीं खरीद सकता, अपने कैंसर को नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने कहा था अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ करना है जिससे खुशी मिलती है, जाके वो करें, क्या फायदा पैसे के पीछे। तो मैंने सब अपना घर बार सब छोड़ के डीसी आ गया 5 साल पहले। तो ये सेंटर फॉर प्लूरलिज्म की बुनियाद रखी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, जब भी वक्त बताया तो बताता हूँ। और सबसे जिसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स,
جہاں بھی ہو جو بھی انسان ہو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے کھڑے ہونا یہ سب سے میرا بڑا کام ہے اور لوگوں کو اکٹھے کرنا ہر قسم کے لوگ فرام ایتھیز جو کہتے ہیں وہاں سے زوراسٹرین تک اس کے بیچ میں بہائی بدھسٹ کرسچن جین جیوش سکھ جتنے بھی زوراسٹرین ہیں نیٹیو امریکن سے ملا کے ان سے ملنا تاکہ کانفلکٹس جو ہیں آپ میں مجھ میں یہ اس لیے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کچھ متس ہیں کہ مائک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا جب آپ اور میں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں میں کافی باتیں ایک جیسی ہیں ہم بھائی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے تھے تو اسی لیے ہم نے پروگرام جتنے بھی پروگرامس ہیں اس میں یہی تھا کہ ہر قسم کے لوگوں کو اکٹھے کریں وہ ایک دوسرے کو جانیں جب جانتے ہیں تو لوگ تفرقے کم ہو جاتے ہیں تو یہ ہے میری اسٹوری تو اپنے اپنی والدہ محترمہ کا جو ہے وہ حوالہ دیا انہوں نے جو نصیحت کی وہ آپ نے شیئر کی لیکن آپ کا جو بچپن تھا تو بنگلور میں انڈیا میں آپ کا بچپن 25 سال تک آپ وہاں رہے تو لڑکپن جوانی بھی کچھ کسی حد تک وہاں پہ گزری تو وہ جو دور تھا تو اس دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کوئی چیز اس دور کی خاص طور پہ اگر کوئی چیز آپ مس کرتے ہیں یا جو یاد آتی ہے آپ کو ایکسپریمنٹل تھا وہ جوانی تھی ہم لڑکے تھے تو ہر چیز پہ سوال کرنا میرا بیکم پارٹ آف مائی لائف ہر چیز کو یہاں تک کہ میں نے مذہب بھی چھوڑ دیا تھا اس زمانے میں اس لیے کہ مجھے سوالات تھے سوالات کے جواب نہیں مل رہے اس کے بعد جب مجھے جوابات ملے تھے میں واپس آ گیا تو اسی زمانے میں واپس کہاں آئے آپ پھر واپس میں مسلم مسلمان ٹھیک ہے تو آپ اسلام میں واپس اسلام میں واپس آ گیا ہاں تو اس وقت جو شاعر صاحب سے میں بہت متاثر ہوا تھا وہ ساحل لدھیانوی صاحب تھے ان کی جو نظمیں تھیں عورت نے جنم دیا مردوں کو پھر پیاسا میں تھی یہ تختوں یہ تاجوں سماجوں کی دنیا یہ پھر فلمی گانا جو تھا میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا اس سے میں کافی متاثر ہوا مجھے میری زندگی میں جو سوالات تھے ان کے جوابات ان سے مجھے مل رہے تھے تو اس کے بعد مجھے خود شاعر بننے کا شوق ہوا میں نے کافی نظمیں لکھی ہیں اور میں نے اپنا تخلص خود ساحر رکھ لیا تھا کیونکہ میں اتنا آپ بھی ساحر ہو گئے میں بھی ساحر ہو گئے میں آپ پہ رانجا ہوئی ساحر سنا ہے شکیل یا کسی نہیں اقبال صاحب کی کسی نظم میں سے متاثر ہو کے ساحر صاحب نے اپنا نظم اپنا نام ساحر رکھا تھا تو تخلص تو میں نے ان سے متاثر ہو کے اپنا تخلص ساحر رکھ لیا اچھا تو آپ نے ساحر صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے کہا لیکن میں واپس اس سے پہلے کہ ہم ساحر پہ بات کریں میں واپس جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کچھ سوالات تھے آپ کے ذہن میں جنہوں نے آپ کو جو تھا وہ مذہب سے دور کر دیا آپ نے پھر کچھ ریسرچ کی کوئی اسٹڈی کی اور پھر آپ واپس آئے تو آپ نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا جی بالکل تو اس میں اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا ایسی کی لرننگ تھی یا ایسے کچھ پوائنٹ جو مختلف مذاہب جو آپ نے اسٹڈی کیے تو ان میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ سب کے سامنے ہم یہاں سے شیئر کرنا چاہیں گے میری خوش قسمتی یہ سمجھے کہ میرے والد صاحب وہاں کے میئر تھے تو ان کی وجہ سے میں اپنے سارے ہندو دوستوں میں ان کے گھروں میں ہمیشہ ہوتے تھے میرے پڑوسی جو تھے کرسچن تھے اور ہماری ایک مل تھی فلور مل اس میں ہمارے سکھ بھائی وہاں کے 3-4 گھنٹے ان سے بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی پھر وہاں پہ لوگ جو آدیواسیز کہتے ہیں انڈیا میں یعنی جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں کوئی ان کا گھر ٹھکانا نہیں آج یہاں کل وہاں تو وہ لوگ بھی ہمارے مل پہ آتے تھے ان سے بھی باتیں ہوتی تو میں یہ سارے مذاہب کے بارے میں سنتا تھا اسلام ہندوازم سکھزم جینزم میرا دوست قریبی دوست جین تھا وہ سب کے بارے میں سنتا تھا میں بولتا ہے اس میں کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلطی ہے تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ سارے مذاہب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں الگ الگ طریقے سے ہیں تو میں نے سوچا کہ مجھے ایک ہی میں نہیں رہنا سبھی میں رہنا ہے تو میں نے سارے مذاہب کی عزت شروع کر لی تھی حالانکہ میں ہر شام ہفتے کی شام
हिंदू मंदिर था हमारे घर के सामने, उसमें जाके भजन करता जुमा, हर जुमा अलग अलग मस्जिद में जाता, कभी कभी संडे के दिन किसी चर्च में चला जाता, बुद्धिज्म की एक सोसाइटी थी वहां भी चला जाता। तो इनसे मुझे काफी इंटरेस्ट लगा कि जो सवाल थे क्यों इस्लाम ये कहता है, क्या यह सही है, सवाल थे। तो मुझे लगा कि सारे मजहब में वो बात मिली जो मुझे इस्लाम में मिली थी। हाँ, तो उसमें कुछ बातें जो थी जो मैंने पढ़ी थी, काफी कुरान के तकरीबन 20-25 आयत को गलत ट्रांसलेशन किया गया है। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मैं बोला मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है, किसी ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि सारे मजहब ठीक है, मेरे लिए आज भी प्लूरलिज्म बाहमगी हुई है कि सारे मजहब खुदा की मजहब हैं, सब मजहब का मकसद एक ही है, एक अच्छी एक आदमी को जिसमें बेसिक इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करके एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा इंसान से मतलब एक गुड सिटीजन। उस मैंने आपकी इज्जत करूं, मैं मेरी इज्जत करूं, जितने मुझे जलकुम दीनकुम वलियत दीन, इस्लाम का जो सबसे मेरा बड़ा आयत है, मेरा मजहब मुझे प्यारा है जिस तरह आपको आपका मजहब प्यारा है, मेरी माँ मुझे प्यारी है जिस तरह आपकी माँ आपको, मेरे खाने मुझे मजे में आते हैं जिस तरह आपको। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज बन गई जिस पर मैंने काफी रिसर्च की 90s। तब मैं सोचा कि इस्लाम वाकई लोगों ने गलत पेश किया था इस्लाम को, तो फिर जब मैंने सही देखा तो आई चोज टू। आपने जो रिसर्च की और सारा जो जय्यद उलमा है उनकी जी पढ़ा, उनकी किसी की मजलिस में भी गए, महफिलों में बैठे, फिर आपकी जो तो जो सवाल के जवाब मिले, तो फिर आप वापस जो है वो जो मेरे इंग्लिश टीचर थे वो भक्त साई बाबा जो कहते हैं उनके भक्त थे वो, और मेरे जो दोस्त थे जो जुलाहा थे वो ही वॉज ए मुस्लिम। तो मैं उनको दोनों को बिठा के, मैं 12-13 साल का था, दोनों को बिठा के उनसे सुनता कि क्या है। तो मुझे लगता है कि सब एक ही बात कर रहे हैं, तरीके फिजिकल तरीके अलग हैं, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कुछ हिंदू लोग जमीन पर बैठते हैं, हमारे सिख भाई जाके गुरु ग्रंथ साहब होती है गुरुद्वारा में जाके सर झुकाते इज्जत देते हैं, सब में एक ही चीज है इज्जत देना, और जो खुदा की हस्ती है उसको इज्जत देना और उससे प्यार करना, ये बातें मैंने सीखी। तो उसी लिए मैंने प्लूरलिस्ट बन गया, मुसलमान हूं बट आई एम प्लूरलिस्ट, माने मुझे सारे मजहब की बिल्कुल प्लूरलिज्म जो है वो, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? प्लूरलिज्म इज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, रिस्पेक्टिंग द अदरनेस ऑफ अदर, खुदा ने आपको बनाया द अदरनेस ऑफ अदर, खुदा ने आपको बनाया है, दूसरों के दूसरेपन की इज्जत करना, इज्जत करना। वाह, ये आपने खुद बनाई डेफिनेशन या खुद बनाई मुस्तामिल है, मानी जाती है? मैंने सोच के बनाया मैंने। अच्छा। अब देखिए, जब खुदा ने आपकी चॉइस नहीं दी कि आप जिस तरह नजर आ रहे हैं वो आपकी चॉइस नहीं थी, अगर मैं ब्लैक हूं तो वो मेरी चॉइस नहीं थी, अगर मैं व्हाइट हूं तो वो भी मेरी चॉइस नहीं थी, खुदा ने बना रखा है हमको। आप देखिए, खुदा ने इंफ्रादियत इंडिविजुअलिटी इतनी बनाई है कि हर इंसान का अंगूठे के छाप है अलग है, 7 बिलियन लोग हैं, अलग अलग है, अपनी आंख और आइडेंटिफिकेशन अलग होती है, अपना डीएनए अलग होता है, इतना इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ये खुदा ने बनाया है हमें। अगर मैं खुदा की इज्जत करता हूं तो उसके बनाई हुई हर चीज की इज्जत करना होगा। आपको जिस तरह बनाया, अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर रहा हूं। तो ये प्लूरलिज्म यही है कि मैं आपको मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि आपने खुदा ने आपको बनाया है, मुझे भी बनाया है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ भाई, उसमें फर्क क्या पड़ता है? अगर आपको मैं अगर आप नमाज पढ़ते हैं, मैं गुरु सिख हूं या हिंदू हूं, अपने तरीके करता हूं, खुदा की इबादत ही कर रहा हूं, तरीका अलग है, ये इबादत एक ही चीज है। तो ये है प्लूरलिज्म। तो सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म में क्या कोई फर्क नजर आता है? हाँ, सेक्युलरिज्म ये पब्लिक डोमेन की बात हो रही है, यानी जो पब्लिक जगह होती है, गवर्नमेंट है या पार्क है, यहाँ पे कोई आप मजहब आपका अपने दिल में रख लें, पब्लिक में ना लाएं, सेक्युलरिज्म है। और ये रेगुलेटेड है, ये एक इस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जिसमें वो कहते हैं कि आप गवर्नमेंट में है, आप ना मुसलमान ना हिंदू ना सिख कोई भी मत रखें, क्योंकि अलग अलग लोग काम करते हैं एक जगह, उनकी इज्जत करें और मजहब को अपनी जगह रखें। तो फिजिकली यू कैन नॉट हैव
ए साइन, आप जैसे फ्रांस में यू कैन नॉट हैव साइन ऑफ योर फेथ, तो ये सेक्युलरिज्म प्लूरलिज्म है, एक रवैया है अपना, एक एटीट्यूड है कि मैं दूसरे को एक्सेप्ट कर लूं। अलग है, आप खाना अलग खाते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, आप बिलीफ अलग है, ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म इज एन एटीट्यूड, रवैया है, इसी कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई फॉर्म नहीं है, जबकि सेक्युलरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका जो इदारा जिसकी आपने बुनियाद रखी 1996 में, जी, सेंटर फॉर प्लूरलिज्म, जी, तो उसके अगराज मकासद, ये एक गैर समाजी, गैर सियासी, सॉरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, तो इसके अगराज मकासद क्या है और कैसे आप काम करते हैं? सबसे पहले हमें हमारी मकसद ये है कि लोगों के दिल को खोलें, हम दिलों को, दिमाग को खोलें, एक दूसरे के बारे में एक्सेप्ट कर लें, लर्निंग टू एक्सेप्ट दी अदरनेस ऑफ अदर। देखिये, जब मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सिख है, जैन है, ज्यूइश है, तो मैं एक्सेप्ट जब कर लेता हूँ तो मुझे आपसे कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। जब मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं तो वी डोंट हैव ए कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज हमारे मकसद अलग हैं, वी लिव डिफरेंटली बट वी स्टिल एक्सेप्ट ईच अदर। तो ये है प्लूरलिज्म। तो इदारे के जो अगराज मकासद हैं कि लोगों के दिलों को खोलना, दिमाग को खोलना, और कोहेसिव सोसाइटीज बनाना। कोहेसिव माने, आप देखें खुदा की कुदरत में सूरज है, उसके इर्द गिर्द 7 या 8 9 सितारे घूमते हैं और वो इतनी प्रिसाइज एंगल से घूमते हैं, थोड़ा भी जाएंगे तो टकरा जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर इतना अच्छी खुदा जब कहता है कुरान में, कुरान के हवाले से, कि हर चीज उसने बैलेंस से बनाई है, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन इट्स ओन सिस्टम, सूरह रहमान में है ये आयत, मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं आयत, तो इतनी प्रिसाइज है। मगर जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इसको प्रिसाइज नहीं बनाया, हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम सुबह में उठे ऑटोमेटिकली गए बाथरूम गए ये किया वो किया, ये नहीं, हमें आजादी दी गई है, फ्रॉम द डे वी वर बॉर्न आजादी दी गई है। वो आजादी से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, आप भी आजाद हैं, मैं भी आजाद हूं, हम रिसोर्सेस के लिए फाइट करेंगे या किसी और चीज के लिए फाइट करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आजादी की वजह से हैं। खुदा कहता है कि तुम ही मैं आजादी देता हूं, बट यू फिगर आउट हाउ टू लिव इन हारमोनी एंड बैलेंस, हम जो इस्लाह उल आलम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो इट इज अप टू अस टू क्रिएट हारमोनी। और व्हाट डज गॉड वांट, लोग पूछते हैं खुदा क्या चाहता है, हम लोग कहते हैं इबादत, नमाज, मस्जिद जाना, वो भी है, इज अ प्रोसेस, मगर सबसे ज्यादा ये चाहता है, खुदा कहता है कि मैंने दुनिया एक हारमोनी, एक बैलेंस से बनाई है, और बैलेंस फ्रीडम होने की वजह से, तुम ही फ्रीडम है, जानवरों को फ्रीडम है, इसकी वजह से बैलेंस अफेक्ट होता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है अशरफुल मखलूकात यानी इंटेलिजेंस क्रिएचर होने की वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि यू रीस्टोर द बैलेंस। अगर आप बैलेंस को रिस्टोर करेंगे तो यू कैन लिव इन पीस, आप सिक्योर रह सकते हैं, आपको डर नहीं है, आपको यह नहीं कि कोई आके मार देगा या मेरी बीवी को छीन लेगा, मेरे बच्चे को छीन लेगा, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स, एक बैलेंस, एक हारमोनी, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। ठीक है जी, तो अगराज मकासद जो आपने बताए तो उनको हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, हाउ डू यू अचीव योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? हमारे चार प्लूरलिज्म में चार शोबे हैं, एक पॉलिटिक्स, एक रिलीजन और एक सोसाइटी, एक वर्क प्लेस। रिलीजन के बारे में थोड़ा बताता हूं, मजहब में कॉन्फ्लिक्ट होती है लोगों की, आप देखें जितने भी इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यूएस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या तो रेस से होता है या तो मजहब से होता है, तो हम अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बताते हैं कि देखो ये मजहब को, अगर मुसलमान ही हिंदू मजहब को गलत समझे आपने, देखो इनका एसेंस ये है, अच्छी बात ही हो रही, कोई बुरी बात नहीं हो रही है, आप इसने इस्लाम को गलत समझा है, इस्लाम कोई गलत सिखाता नहीं, अच्छी बात सिखा रहे। जब आप दोनों वो सीख लेंगे, समझ लेंगे, हाँ मुझे गलत बताया गया था कि इस्लाम ये है, इस्लाम में वो है, इसमें हम एक सेमिनार बस्टिंग द मिथ्स करते हैं, बस्टिंग द मिथ्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ज्यूस एंड क्रिश्चियंस, वो एक दूसरे को
डर के रहते एक दूसरे समय समय उसको निकालना है, हमको आजादी से रहना है, फ्री रहना है, टेंशन से नहीं। वो होता है एक फेस्टिवल्स ऑफ द फेथ होता है जिसमें हम सारे मजहब के लोग भी बुला लेते हैं। अच्छा। एक एक गाना सब मजहब वाले उनका अपना एक तराना गाते हैं, हमद नात और जो भी कहे आप एवरीबडी, उसके अगर माने देखेंगे आप सब उसी की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। अगर सबको इंग्लिश में कर देंगे हमको लगेगा सब एक ही बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे 5 अलग सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, फेस्टिवल ऑफ फेथ्स हैं, सेमिनार्स हैं, बस्टिंग द मिथ्स हैं, ये करते हैं। तो ये तो रिलीजियस हवाले से हो गया, तो सियासी तौर पे आप क्या करते हैं? सियासी तौर पे अब हमारा प्रोग्राम है हर सेकंड संडे सुबह दोपहर में, इसमें वी ब्रिंग पीपल फ्रॉम डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को लाते हैं। आप देखिए मैं काफी रिपब्लिकन के कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, डेमोक्रेट्स कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वहां ये होता है कि मैं एज ए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि रिपब्लिकन किस बिलीफ में है, आप किस बिलीफ में हम वैसे आपको सिर्फ डाउनग्रेड कर रहा हूं, आपकी गुस्ताखी कर रहा हूं, यही कर रहा हूं। तो मैं अगर आपके कंडेम कर रहा हूं तो आप किस तरह मेरी बात सुनेंगे आप? तो मैंने देखा है कि अगर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बैठ के बात करें 5 या 6 बातें होंगी 100 में जो बिल्कुल जैसे रिप्रोडक्शन है, बर्थ राइट्स है, उस इश्यूज पे कभी विल नेवर एग्री ऑन, दैट्स फाइन। बाकी 95 जो है वो तो कॉमन है, बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन, दीज आर ऑल कॉमन्स, वी फॉरगेट दैट एंड फोकस ऑन दोस। बहुत अच्छे, तो इसका मतलब कि आप मुख्तलिफ जो सियासी नुक्ता नजर के हामिल जो अफराद हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको इकट्ठा बिठा के तो जो उनके जो कॉमन जो चीजें हैं उनको हाईलाइट करते हैं। मौजूद खवातीन हजरात, माइक गौस साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो भी जारी है। हमें लेना है एक मुख्तसर सा वक्फा, तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाय, माय नेम इज कुलदीप गिल, हम ब्रोकर ऑफ स्काई रियल्टी। द रीजन वी आर सो सक्सेसफुल बिकॉज क्लाइंट ट्रस्ट अस। I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you. Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. वेलकम बैक खवातीनों हजरात, हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं जनाब माइक गौस साहब, और ये सेंटर फॉर प्लूरलिज्म वाशिंगटन डीसी के डायरेक्टर हैं, उसके बानी भी हैं। तो माइक, ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे कि आजकल बल्कि कुछ गुज़िश्ता कुछ सालों से दुनिया में नेशनलिज्म के नाम के ऊपर जो है वो कई चीजें जो है वो हो रही हैं, और हम देखते हैं कि उसमें मजहबी जो आजादियां हैं उनमें कमी आ रही है, जो एक डायलॉग मुख्तलिफ जो फिरकों के दरमियान तबकों के दरमियान वो स्पेस जो है वो कम होती जा रही है, और खास तौर पे दुनिया के कुछ हिस्सों में तो बाकायदा जो है वो एक कन्फ्लिक्ट की सी सूरत हाल है। तो आप इस सारी जो
ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और इस इशू के हवाले से कुछ तजावीज आप पेश करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के सामने शेयर करें? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने आपने प्रोग्राम के ब्रेक के पहले हमने बताया था एक हारमोनी, खुदा ने हर चीज हारमोनी से बनाई, जब वो हारमोनी बिगड़ जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो जस्टिस इज द की, अगर जस्टिस इंसाफ नहीं है लोगों में तो वो बैलेंस जब खत्म होता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। अब नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं हम, यूएस की बात करते हैं, फिर मैं इंडिया की भी बात करता हूं कुछ। नेशनलिज्म इसलिए हुई कि आप देखें हिलरी क्लिंटन साहब ने जब कैंपेन किया उनकी जुबान पर सिर्फ माइनॉरिटीज की माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज यही रट लगाई हुई थी, कभी उन्होंने मेजॉरिटी की बात नहीं की। दिस वॉज रॉन्ग। अब बाइडन साहब से भी मैंने कहा है, ईमेल भेजा है कि आपकी लैंग्वेज में सबको इंक्लूड करें, आप किसी को एक्सक्लूड करेंगे तो वो लगता है कि हमें दे आर नॉट केयरिंग अबाउट अस, तो उनके लिए एक जिद पैदा हो जाती है, एक जज्बा पैदा होता है कि हम ये को करें। तो जब हिलरी साहबा ने सिर्फ माइनॉरिटीज की बात कर रही थी, ब्लैक्स की बात कर रहे थे, एशियंस की बात कर रहे थे, कभी भी उन्होंने व्हाइट मेजॉरिटी, वो भी इसी डिफिकल्टी से गुजरे जिस तरह हम सब गुजरे। इट्स जस्ट नॉट माइनॉरिटीज, एवरीबॉडी वेंट थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका जिक्र क्यों नहीं हुआ? जब उनका जिक्र नहीं हुआ तो ट्रम्प साहब ने सोचा मैं उनका जिक्र कर लेता हूं। उन्होंने कुछ नहीं किया, ट्रम्प साहब ने जिक्र ही किया, जिक्र किया तो उनको लगा कि हमारा हमदर्द है ये बंदा, हमें जानता है, तो उनकी लॉयल्टी बन गई। सो नेशनलिज्म वहीं से पैदा होती है जब आप एक दूसरे की वो बैलेंस जस्टिस जिस जगह नहीं होती वहां ऐसी बातें पैदा होती हैं। अगर अगर बाइडन साहब को मैंने एक प्रपोजल दिया है कि किस तरह अमेरिकन्स को साथ लाया जा सकता है, किसी को नहीं छोड़ना। अगर हम समझते हैं कि वो उन्होंने डिप्लोरेबल्स भी कह दिया था हिलरी साहब ने, ये अमेरिका के हवाले से आपने दावेज दी है, बाहर जो कुछ हो रहा है अमेरिका के अलावा उसके हवाले से कुछ कहें। अब इंडिया में भी नेशनलिज्म शुरू हो गई है, वहां पे उनको गलत बताया गया है काफी लोगों को कि इंडिया में मुसलमानों का राज था, मुसलमानों ने औरंगजेब ने ये किया वो किया, जबकि आप सोचेंगे जितने भी बादशाह लोग थे, किंग्स थे, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी, जो भी हो, अगर उनको दूसरे उनका सिर्फ एक मकसद था, मेरी जमीन बढ़ाऊं, मेरी दौलत बढ़ाऊं, दैट्स द ओनली थिंग किंग्स हैड, और कुछ नहीं। तो वो दूसरे बादशाह के पास जाते तो बोलते भाई देखो तुम्हारी बादशाह यहां है, मेरी बादशाह यहां, मैं उसको टेक ओवर कर लूंगा। वो नहीं कहते हाँ ले लो भाई, कभी नहीं हुआ, जंग होती है, लोगों को मारा जाता है, और वो हिंदू या मुसलमान नहीं मारते, वो बादशाहों की जंग में लोग दूसरे जाते हैं। उसको हमने, ब्रिटिश ने उसको रंग दे दिया, सिखों हिंदुओं में, मुसलमानों सिखों में, या मुसलमानों हिंदुओं में, ये रंग जब दे दिया उन्होंने, हमारे जहन में बात बैठ गई कि ये हो रहा है। तो नेशनलिज्म जो मेजॉरिटी लोग होते हैं जो इग्नोर किए हैं, वो समझते हैं कि देखो इन्होंने हम पे हुकूमत की और इन्हीं की बात चल रही है, हमारी नहीं चल रही है, तो दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट इट। नेशनलिज्म वही पैदा होती है, सिर्फ इट टेक्स वन आर टू परसेंट और मूवमेंट बनता है। बीजेपी सिर्फ वाजपेयी साहब वाहिद जो थे, जनसंघ बनाई थी उन्होंने अर्ली 50s में, कोई और नहीं था। फॉर द नेक्स्ट 40 साल तक उनकी पार्टी में ये किया, दो लोग भी नहीं थे पार्लियामेंट में। जब उन्होंने एक बुरा काम किया, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया, अचानक उनकी फ्लरिश हो गई, नेशनलिज्म उन्होंने लाई। अगर वो ना लाते तो ये सारे बर्बादियां नहीं होती, ये नेशनलिज्म नहीं होता, सबके सब हंसी खुशी से मिलजुल कर रह सकते थे। सो देयर इज अ रीजन फॉर नेशनलिज्म। तो इन सारी सूरत हाल को जो है वो ठीक कैसे किया जा सकता है? आपके जहन में क्या ऐसे तसव्वुरात हैं, कुछ तजावीज हैं कि जो मुख्तलिफ मजाहब के रहने वाले जो है उनको मिलजुल के रहने के लिए आमादा कर सकते हैं, ऐसा एनवायरमेंट जो है वो प्रमोट किया जा सकता है जहां पे लोग पीसफुली रहे? क्योंकि सदियों से जैसे म्यांमार में आपने देखा वहां पे क्या हो रहा है, अब श्रीलंका जो है वहां पे भी इस तरह की चीजें जो है चल रही है, चाइना में भी है, तो ये मामला है, ये
बिगड़ता ही जा रहा है, बिगाड़ की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हालात जो है वो कुछ जो है वो लोग पीसफुली पहले की तरह मिलजुल के रहना शुरू करें? इसका मॉडल है साउथ अफ्रीका में, जब वहां पे मेजॉरिटी ब्लैक्स की थी, व्हाइट गिनती के थे, उन्होंने हुकूमत की उन पे, जब नेल्सन मैंडेला को आज रिहाई हुई जेल से, जब उनकी रोडेशिया से निकाल के फिर उनको आजादी मिली साउथ अफ्रीका में, तो नेल्सन मैंडेला ने बहुत अच्छा काम किया, एक रिकन्सिलिएशन बताया उसने। उन्होंने बताया देखो अब तुम रिवेंज पे तुले हुए हो, तो वाइट लोगों ने आपको अप्रेस किया हुआ था कई सदियों से, रिवेंज पे तुले हुए थे ना, उनकी बर्बादी तुम्हारी बर्बादी कोई खुशी से नहीं, जैसे कहा द सैट डाउन एंड रिकन्सिलिएशन, एक फॉरगिवनेस लाया। अब इंडिया में भी यही किया जा सकता है, मैंने पिछले 4-5 साल से बात कर रहा हूं इसके बारे में, हिंदूस मुस्लिम्स सिख्स क्रिश्चियन सबको टेबल पर बैठना है विद ओपन माइंड। मेरे जितने भी ग्रीवेंसेस है मैं सारे टेबल पर रखता हूँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे आई डोंट माइंड आई डोंट केयर, वी हैव टू बी ओपन, सारी चीजें रख दो टेबल पे, क्या चीजें हैं उसमें आपको पता चलेगा कि काफी मिथ्स हैं, कुछ वाकई रियलिटीज हैं, तो रियलिटीज को विल डील विद देम। मिथ्स जब बता दें एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, एक गोल्डन गर्ल्स के नाम से एक टीवी शो होता था, पता नहीं आपने देखा है नहीं, उसकी छोटी सी बात है, दो बहनें होती हैं वो एक दूसरे से 40 साल तक बात नहीं करती, एक नाराज हुई होती है, तो दूसरी बहन जब घर आती है तो इस औरत की बेटी जो है वो कोशिश करती है कि इन दोनों को मिलाएं, वो नहीं मिलते हैं, जब वो वापस जा रही होती है तो वो बोलती है कम से कम आप दूसरे एक दूसरे से गले मिलो, दो बहनें, तो वो बोलती है मैं उससे नहीं मिलूंगी, वो मेरे खाविन से किस किया था उसने 40 साल पहले, उससे मुझे कुछ लेना देना देना नहीं है, तो दूसरी बोलते मैंने किया था, किसने बताया तुमको, वो किसी ने बताया मैंने कभी नहीं किया, मैं क्यों करूंगी, तो तुमने किसने किया उसको, बोला बिल्कुल नहीं किया मैंने, अचानक 40 साल की नफरत दूर हो गई क्योंकि उन्होंने बैठ के बात की। इंडिया में यूएस में ये करना बहुत जरूरी है रिकन्सिलिएशन, हम बैठ के बात करेंगे, किसी ने कोशिश नहीं की बैठ के, हिंदू लोग इंडिया की बात कर रहा हूं उनके जहन में कुछ बातें बिताई गई हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, वी नीड टू क्लैरिफाई दैट, जब क्लैरिफाई करेंगे तो वी विल सी एज ह्यूमंस, अगर मैंने कुछ गलती की है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, अगर मेरे दादा ने की है तो मुझे क्यों सजा मिले उसकी, ये बात समझानी पड़ेगी। बिल्कुल सही, तो आपकी जो शख्सियत है आपका जो काम है उसमें एक खास हवाला जो है वो आपका तहरीर और तकरीर का जो शोभा है, तो तकरीर का तो हम आज देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो तहरीर के हवाले से ये कि तकरीबन 3,600-700 के करीब जो है वो आर्टिकल्स मजामीन आपने लिखे जो बड़े मोतबर जो अखबारात हैं जराइद हैं मैगजीन्स हैं उनमें शाया हुए, और इसके अलावा आपकी एक किताब भी कुछ अर्सा पहले आई थी अमेरिकन मुस्लिम एजेंडा, तो इसके अलावा भी कुछ और भी पाइपलाइन में है, जरा इसके बारे में कुछ बताया गया? पाइपलाइन में एक है प्लूरलिज्म फॉर एडल्ट्स, ताकि हम सीखे, हम स्पीचेस कर रहे हैं प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अब उसको किताब की शक्ल में देना है ताकि जिनको पढ़ना है लोग ज्यादा लोग देख सकें, वो है, और प्लूरलिज्म फॉर चिल्ड्रन, अच्छा, बच्चों को किस जहनों में पॉइजन डाला जाते, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स टीचर्स बच्चों के जहन में देखो ये यहूदी है ये हिंदू है ये मुसलमान है इसको ट्रस्ट मत करो ये झूठ बोलता है ये साफ नहीं है, ये बचपन में आपके जहन में बैठ जाती हैं बातें, वो आपको जहन में सामने हो या ना हो, जब आप काम पे जाते हैं जब आप एक सिख हिंदू क्रिश्चियन ज्यू से साथ काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ दिल से जुड़ेंगे नहीं, इसलिए कि आपको बचपन से ये बात बता दी गई है, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि बच्चों के लिए किताब लिखूं, उनको इंट्रोडक्शन किया कि मस्जिद क्या होती है, गुरुद्वारा कैसी लगती है, किस किस्म के लोग अंदर जाते हैं, और हिंदू मंदिर में क्या होता है, छोटी बच्चों की सी बात जब बोल देंगे तो जब वो बड़े होंगे तो उनको कुछ आइडिया होता है कि अलग अलग तरीके हैं इबादत करने के, मेरा भी रिस्पेक्ट होगी रिलीजन के लिए और एक्सेप्टेंस है दूसरे जो मजहब के हवाले से, तो ये मैं अपने बच्चों को खुद बताता हूँ, मेरा बेटा और बेटी उनको कोई जगह
बहाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, ज्यूविश, सिख, ज़ोरास्ट्रियन, नेटिव अमेरिकन, और हालांकि मैंने LGBTQ कम्युनिटी है उनके चर्च में भी बच्चे को ले गया एक्सपोज करने के लिए। बच्चे की माँ को एतराज था कि क्यों ले जा रहे हो गे और लेस्बियन चर्च में। मैं बोला ये बच्चे हमारे से ज्यादा जानती है, बच्चे उनको अगर बड़े होंगे तो उनको उनसे डील करने के लिए आसानी हो जाएगी, अगर उनके साथ उनके साथ काम कर रहे हैं तो दूर रहेंगे वो, अगर उनको पता है तो साथ रहेंगे वो, दोनों मिलकर काम करेंगे, वी हैव टू वर्क टूगेदर। तो जो मुस्लिम अमेरिकन एजेंडा नाम की जो किताब थी, तो उस पे रिस्पांस जो था वो आपको कैसा मिला? इट्स अ गुड रिस्पांस, क्योंकि इसमें मैंने तकरीबन 300-400 इंटरव्यूज लिए हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पीपल हु डोंट लाइक इस्लाम उनसे इंटरव्यू लिया है। मैंने उनके नजरिए से देखा कि वो क्या देखते हैं जो इस्लाम में जो उनको बुरा लगता है, फिर मैंने उसकी स्टडी करी कि क्यों बुरा लगता है। मैंने उनको अलाउ किया कि मैंने आप तनखीद करें जी, मैं सुनूंगा, फिर मैं उसके बाद स्टडी करके जवाब दूंगा। तो ये किताब उसकी एक मजमुआ है, ये इंटरव्यू उसकी, कि वो किस तरह देखते हैं इस्लाम को, मगर वो गलत देखते हैं, हमें समझाना होगा, तो वो है। और किस तरह हम एज ए मुस्लिम्स, हाउ कैन वी हैव ए प्रोग्राम, हाउ कैन वी क्रिएट ए सोसाइटी जिसमें हम सब, ना आपको डर हो ना मुझे डर हो, और टेंशन जो रहता है वो निकल जाए, व्हेन वी नो लर्न ईच अदर। इंटीग्रेशन की बात हो रही है इसमें, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द बुक। इसमें दो बिल्कुल नए चैप्टर हैं, टाइम है आप बाद मुकम्मल करें। हाँ, दो बिल्कुल नए चैप्टर, एक चैप्टर है इस्लामिक वैल्यूज। जब भी आप किसी मुसलमान से आप पूछते हैं इस्लाम, तो वो बोलते हैं 5 सुतून, शहादा, नमाज, रोजा, जकात और हज बताते हैं। हमने वो ठीक है, मगर हमने वैल्यूज की बात कराई, इस्लामिक वैल्यूज क्या है, जैसे सच बोलना, भरोसा करना लोगों पे, सब्र रखना, केयरिंग फॉर द फेलो ह्यूमन बींग, जिस सेवा कहते हैं, ये इस्लामिक वैल्यूज ऐसे हैं जिससे दुनिया बेहतरीन हो सकती है, सारे लोग खुशी से रह सकते हैं। ये वैल्यूज को हमने उजागर किया है, और हर वैल्यूज, उसमें 12 वैल्यूज हमने निकाले हैं। अभी किसी ने बताया सब्र भूल गया, तो उसको ऐड कर देंगे हम वो वैल्यूज में। हर उसमें कम अज कम 10 कुरान की आयत सपोर्ट करती है हर वैल्यू को, यह है। और दूसरा नया चैप्टर बिल्कुल ये है कि मुस्लिम्स हमेशा जब भी कोई बम फोड़ता है कुछ कहते हैं, हम डर कहते हैं अल्लाह करे वो मुसलमान ना हो, ये हमारी दुआ होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1936 में, आज से 16 साल के बाद, हमारा प्रोग्राम है कि एक मुसलमान औरत अमेरिका की प्रेसिडेंट बने। ये प्रोग्राम है या आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश है, हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके बारे में। अच्छा। किताब में मैंने तफसील से लिखा है क्या क्या करना है, चाइल्ड मुस्लिम खातून को अमेरिका का, किस किस को, सीनियर्स हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको क्या क्या करना है टू गेट देयर, हाउ डू वी गेट देयर, तो वो चैप्टर है वो। तो इट्स अ गुड चैप्टर, इट गिव्स देम। कब आएगी किताब? आ चुकी है, इस इजाफे के साथ जो आप नए चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ पेशेंस के। अच्छा। वो दैट विल कम इन अबाउट ए मंथ और 2 मंथ्स, जून के में रिलीज होगी वो, मगर किताब अवेलेबल है अमेजोन पे, अमेरिकन मुस्लिम एजेंडा। तो इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, कहाँ जाना है हमें, ये परेशानियां हैं, हर तरफ भाग रहे हैं हम, वी नीड टू स्टॉप दैट, वी आर अमेरिकन्स, वी कैन डू बेटर देन दैट। एक्सीलेंट। तो जो प्रोग्राम के हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अमेरिकन मुस्लिम को, बिलखसूस नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप प्लूरलिज्म के हवाले से? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अबाउट whatever you know about Islam or any religion you believe, question it. If it is not common sense, it is not Islam. I believe Islam is a full common sense religion. Har cheez ke liye there is a sense, there is a reason why we do that. If you start questioning Islam, you will find answers. If somebody criticizes Islam, Islam ho, Prophet Muhammad ho, unko bura mat kahe. Follow what Prophet did. Prophet ne dua ki thi, logon ne pathrao kiya tha unpe, he was bleeding. उनको बदुआ करने की बजाय उन्होंने दुआ की थी। स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स, बिकॉज अगर जीसस साहब ने कहा, हमारे प्रॉफिट हैं, उन्होंने कहा था फॉरगिव देम लॉर्ड फॉर दे नो नॉट। तो ये लोग आपकी बुराई इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं। तो आप पेशेंस से उनसे बात करें, एक्सप्लेन टू देम,
ओपन किसी ने तनखीद की खुदा की कुरान की, लेट देम डू इट, दैट इज देयर राइट, लेट देयर बी फ्रीडम. उसके बाद आप उनको समझाएं इफ यू हैव टाइम. लेकिन तनकीद करना या मुत्तफिक ना होना, लेकिन खुदा नखास्ता जो है वो कुछ इंसल्ट करना जो है वो तो किसी की दिल आजारी करने वाला जो मामला है होती है बात. उसको तो उसको इट इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी है. वो तो काबिले कबूल नहीं है कि कोई सिर्फ आप आजादी के नाम पे जो है वो लोगों के मजहबी अकायद को निशाना बनाए, मुकद्दस जो शख्सियात है उनके ऊपर जो है वो अटैक करें. कुरान में एक आयत है वो 43:14, उसमें खुदा कहता है आपके दुश्मन आपसे बुरा सलूक करते हैं, आप उनसे अच्छा सलूक करें, क्या पता वो आपके दोस्त बन जाए. There is a reason for that. बिल्कुल, जो टॉलरेंस है, पेशेंस है और एहतराम है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब का, वो उसको जो है वो बरकरार रखना चाहिए. इसी तरीके से हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, इख्तलाफी उमूर पे बात करते हैं, लेकिन बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो कॉमन है, जो गैर मुतनाज़ा, तो उन चीजों को जो है वो ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो मुश्तरका है या गैर मुतनाज़ा है. तो डिफरेंसेस तो है, वो तो अल्लाह ताला ने रखे हैं. अगर ऐसा था तो वो इट वाज मच इजियर फॉर हिम कि वो खुद डिसाइड कर सकते कि भाई ये एक ही मजहब होना चाहिए. तो मुअज्जज़ ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता है. माइक गौस साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए एक मरतबा फिर शुक्रिया. बहुत बहुत आपका शुक्रिया जनाब, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. ओके, बड़ी मेहरबानी जनाब. मुअज्जज़ ख़वातीन हज़रात, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के खुदा हाफिज़.